राजस्थान पेंशन समाज ने केरला बाढ़ पीड़ितों के लिए 3,05,000 रुपए किए जमा, साथ ही पेंशन दिवस के बारे में बैठक में की चर्चा। राजस्थान पेंशन समाज ने आज केरल से बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए 3,05,000 रुपए की राशि जमा की, जिसे वह कलेक्टर के द्वारा भिजवाना चाहते थे, लेकिन आचार संहिता के कारण यह संभव न हो सका। इसलिए वह SBI द्वारा सीधा केरल के CM तक यह राशि भिजवाएंगे। साथ ही आगामी दिनों में पेंशन दिवस भी मनाया जाना है, जिसको लेकर भी उपस्थित जनों के बीच चर्चा की गई। राजस्थान पेंशन समाज आज का विशेष औचित्य ये रहा कि केरल में बाढ़ पीड़ित सहायता को देख के कार्यकारिणी ने पूर्व में यह निर्णय लिया था कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इस आधार पर जिला कार्यकारिणी के संयोजन के अंदर अपनी 11 उप इकाइयों के सहयोग से केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए 3,05,000 रुपए की राशि तैयार इकट्ठी की गई और इसका बैंक ड्राफ्ट जो है जिला कलेक्टर के माध्यम से केरला के चीफ मिनिस्टर को भिजवाने की कार्रवाई करनी थी। और इस आज जो है कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, इस मीटिंग में सभी उप इकाइयों के जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे और उन्होंने पे मैट्रिक्स के आधार पर 7वें वेतनमान के लिए, आईना 2018 के अंक के लिए और 17 दिसंबर 2018 को जो पेंशनर दिवस मनाया जाता है उसके कार्यक्रम के संबंध में सबने बहुत ही सजगता और उत्सुकता से भाग लिया और इस कार्यक्रम को धूमधाम से मचाने के लिए जो है निर्णय लिया है। और ये भी सभी उप इकाइयों के अध्यक्षों ने हमें आश्वस्त किया कि भविष्य में भी यदि जब भी कोई ऐसी त्रासदी आएगी या जिला शाखा को धनराशि की आवश्यकता होगी तो वो आगे बढ़ चढ़ कर के जो है सहयोग प्रदान करेंगे और जिला शाखा और उप इकाइयाँ जो हैं अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का वहन जो है पूरी उत्साह के साथ जनता के हित में राज्य के हित के अंदर करने के लिए कृत संकल्प है। कितने सदस्य हैं और कितनी राशि है? ये राशि जो है 3,05,000 है और जो उप इकाइयाँ और हमारी इकाइयों के माध्यम से अजमेर के अंदर जिला कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य के द्वारा 1100 रुपये की राशि का अंशदान किया गया है। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे श्रीनगर के अंदर एक भाई ने जो है 11,000 रुपये की राशि जो है वो हमें दी है और भविष्य में भी जो हमारी उपकाया केकड़ी है आपके बाद ये जो श्रीनगर है इनके द्वारा 30,000 से भी ऊपर की राशि का जो है सहयोग प्रदान किया। ये चेक जो है जिला कलेक्टर के माध्यम से देना था लेकिन अभी उनसे चर्चा करके आए हैं तो उन्होंने आचार संहिता का जो है वो है अब हमारे कार्यकारिणी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इसको SBI के माध्यम से CM केरला के खाते के अंदर डायरेक्ट जमा कराने की कार्रवाई अभी संपादित करने जा रही है। कश्मीर सिंह, जिला अध्यक्ष पेंशनर समाज, अजमेर।